हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लियर टैक्स की वेबसाइट के थ्रू आप अपनी जो आईटीआर 3 फाइलिंग होती है या आईटीआर 2 फाइलिंग होती है, जिसके अंदर आपको अपना कैपिटल गेन दिखाना पड़ता है, जो भी आपने इंट्राडे किया है या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया है जब आपने अपने शेयर जो है वो बेचे हैं, या फिर आप मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करते हैं, तो ये सारी इनकम जो है अगर आप एक सॉफ्टवेयर मतलब या फिर मान लीजिए आप यूटिलिटी के थ्रू फाइल करते हैं आईटीआर 3 या आईटीआर 2 को, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि कितने सिंप्लीफाई तरीके से आप इन सभी चीजों को यहां पे अपनी आईटीआर के अंदर ऐड कर सकते हैं और कैसे आसानी के साथ में क्लियर टैक्स के साथ में यहां पे फाइल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू में रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लियर टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर साइन अप करना पड़ेगा। यहां तक कैसे पहुंचना है उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा यार, तो पहले जाके इस वीडियो को जरूर देखिए और यहां तक इस स्टेप तक यहां पे आप पहुंच जाइए कैपिटल गेन वाले सेक्शन तक। अब गाइस, यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे आपके जितने भी म्यूचुअल फंड है, जितने भी आपके स्टॉक्स है, उन सभी को यहां पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको एक एक्सेल की फाइल चाहिए होगी। तो देखिए गाइस, अभी राइट नाउ ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर क्लियर टैक्स यहां पे जीरोधा, कैम्स और कारवे और कैम्स के अंदर, दोनों के अंदर आपके म्यूचुअल फंड जिस भी मतलब आप मान लीजिए अगर आप किसी एएमसी के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आपका कई सारे प्लेटफॉर्म हो गए जैसे जीरोधा का कॉइन हो गया, या फिर मान लीजिए ग्रो प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर आप स्टॉक यूज करते हैं, कहीं पे भी आप यूज करते हैं, कैम्स और कारवे के पास में सारे आपके जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उन सभी का डेटा होता है। जीरोधा यहां पे पॉपुलर इसलिए क्योंकि मैक्सिमम डीमैट अकाउंट जीरोधा के ऊपर होते हैं लोगों। सो गाइस, इन तीनों बटन के ऊपर आप कैसे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको सेक्शन के ऊपर ले जाएगा, आपको गाइड करेगा कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी यहां पे रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहां पे इस एग्जांपल के लिए मैं यहां पे जीरोधा को ले लेता हूं। तो गाइस, आपको क्या करना है, जीरोधा के अंदर लॉगिन करना है। सिंपली आपको जाना है अपने कंसोल के अंदर। गाइस, कंसोल में जाने के बाद में सिंपली रिपोर्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे टैक्स एंड पेंडल का ऑप्शन आता है, आप फाइनेंशियल ईयर 2021 सेलेक्ट कर लीजिए, क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 का, और इस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस, ये आपको एक समरी देता है इक्विटी, करेंसी, F&O सारी चीजों की, साथ में नीचे आता है डाउनलोड टैक्स पीएनएल रिपोर्ट फॉर द ऑल सेगमेंट। तो गाइस, सिंपली इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। गाइस, आप मेरी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, इस टाइप की आपकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट यहां पर डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपके इक्विटी, ट्रेड वाइज जितना भी आपने जो भी कुछ किया हुआ है उन सभी की यहां पे आपकी समरी आ जाएगी। अब गाइस, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्लियर टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ये कैपिटल सेक्शन के अंदर क्लिक हेयर इफ यू सोल्ड एनी एसेट्स, यहां पे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पे पूछेगा अपलोड फाइल का, तो अपलोड फाइल का सेक्शन है, अपलोड फाइल का ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहां पे पूछेगा सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो सिंपली यहां पे मैं जीरोधा चूज कर लेता हूं, और जो मैंने फाइल यहां पे डाउनलोड की है उसको यहां पे मैं सिंपली अपलोड करा देता हूं। तो गाइस, यहां पे देखिए मैंने फाइल चूज कर ली है। अब सिंपली यहां पे अगर आपका कोई पासवर्ड है वो आप डाल सकते हैं, या फिर सिंपली आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस, अब यह क्या करेगा, ये जो मैंने एक्सेल की जो शीट थी जिसके अंदर जीरोधा का सारा डेटा था, मैंने इंट्राडे कितना किया, F&O कितना किया, कितने शॉर्ट टर्म गेन हुआ है, कितना लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, सब कुछ सारी चीजें ये बेसिकली कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी सारी चीज यहां पे अपलोड कर देगा। ऑसम, देखिए गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने आपका पूरा डेटा यहां पे इंपोर्ट हो चुका है। ये ऑटोमेटिकली इसने बता दिया कि 1128 रुपए का आपको शॉर्ट टर्म यहां पे लॉस रखा है, साथ में इसने ये भी बताया कि आपके यहां पे कुछ डिविडेंड इनकम भी है, प्लस स्पेक्टिव इनकम भी है, प्लस ट्रेडिंग की इनकम भी है, मतलब यहां पे मैंने F&O भी किया हुआ है और प्लस यहां पे इंट्राडे भी किया हुआ है और कुछ यहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो रखे हैं। तो देखिए गाइस, जो शॉर्ट टर्म बेसिकली लॉस था वो मेरा यहां पे आ चुका है। अगर मैं नीचे थोड़ा सा जाऊंगा तो आप देख सकते हैं जितने भी मैंने शेयर बेचे हैं, कितने पे खरीदा, कितने पे सेल आउट किया, ये सारी चीजें यहां पे आ चुकी है। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा और सारी चीजें यहां पे इंपोर्ट हो गई। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां मेरी स्क्रीन के सामने जितना भी मेरा कैपिटल लॉस हुआ है, मतलब जो F&O से मेरे को जो लॉस हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहां पे रेगुलर बुक्स बिजनेस के अंदर यहां पे रिपोर्ट हो चुका है। फिर इंट्राडे के ऊपर जितना भी मैंने प्रॉफिट कमाया है वो भी यहां पे रिपोर्ट हो चुका है। मतलब एक क्लिक के ऊपर सारी की सारी चीजें यहां पे इंपोर्ट हो चुकी है, मतलब आपको कोई भी यहां पे मैन्युअली यहां पे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। इवन गाइस, जब आप लास्ट स्क्रीन पे जाकर यहां पे एक इस रिपोर्ट आती है, डाउनलोड डिटेल रिपोर्ट, इसको क्लिक करेंगे तो आप जो कंप्यूटेशन भी देखेंगे उसमें देखिए सारी चीजें आती है, मतलब कितने आपने शेयर बेचे हैं, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आपका पूरा स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, मतलब कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है यार। सो गाइस, यहां पे आप अपनी रिटर्न यहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहां पे अभी जो क्लियर टैक्स ने अपना जो API है वो कनेक्ट नहीं किया, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में उनके साथ में बात चल रही है। तो गाइस, अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाता है तो मतलब आपकी रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। अब गाइस, इसके बाद के आगे की क्या प्रोसेस है, ये सब सारे सेक्शन कैसे फिलअप करने, ये सारी मैंने इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिटेल बात कर रखी है। तो गाइस, देख सकते हैं आप विद इन द मतलब 10-15 मिनट्स अपनी जितनी भी डिटेल से सारी कैपिटल गेन की वो आसानी से क्लियर टैक्स पोर्टल के ऊपर यहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं और आपकी पूरी जो आईटीआर है, आईटीआर चाहे 2 हो या 3 हो, दोनों ही केस में दोनों प्रिपेयर हो जाएगी। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।